बॉस के मेकर्स का प्लान हो रहा है कामयाब, क्योंकि बिग बॉस लोगों को आ रहा है पसंद। जी हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले दो सीजन से 14 और 15 जो सीजन आया उसकी टीआरपी उतनी अच्छी नहीं आ पाई, लो होती गई थी टीआरपी, जिसकी वजह से बिग बॉस के मेकर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस बार मेकर्स ने ठान लिया था कि इस सीजन में काफ़ी बड़े बड़े अहम चेंज आएंगे जो कि जनता को पसंद आएगा, हो सकता है आए ना आए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। लेकिन जब ये शो की शुरुआत हुई है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जनता को शो ये पसंद आ रहा है, इनका जो एक नया चेंज है वो पसंद किया जा रहा है। जैसे कि बार बार प्रोमो में बोला गया था कि बिग बॉस खुद खेलेंगे, तो इस बार जो बिग बॉस का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। बिग बॉस बाकायदा कंटेस्टेंट की बुला करके भी क्लास लगाते हैं, उनका ओपिनियन भी जान रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, बिग बॉस मजाक मस्ती भी कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है। साथ ही शो में इतनी जल्दी लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, प्यार इश्क मोहब्बत शुरू हो चुका है, तो ये शो अपनी ओर जनता को घसीट रहा है, जिसकी वजह से शो की टीआरपी जो पहले आई थी वो भी अच्छी आई थी और सेकेंड वीक की ऑनलाइन टीआरपी भी अब सामने आ चुकी है। पहली जो ऑनलाइन टीआरपी सामने आई थी पहली वीक की, उसमें बिग बॉस 16 यहाँ पर टॉप 5 में शामिल था, 5वें नंबर की पोजीशन पर था। इस बार और भी बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि टॉप 5 में नंबर 3 की पोजीशन पर है। पिछली बार जो इसकी टीआरपी रेटिंग थी वो 39 थी और इस बार जो इसकी टीआरपी रेटिंग है वो हो चुकी है 42। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया ऑनलाइन टीआरपी सामने आई है। तो बिग बॉस के मेकर्स का जो प्लान था इस शो को हिट कराने का वो साफ लग रहा है, हिट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि टीआरपी काफ़ी अच्छी आ रही है। उसी से ही ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं कि शो कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये ऑनलाइन टीआरपी अच्छी आई तो ऑनलाइन काफी देखा जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको बिग बॉस सीजन 16 कैसा लग रहा है। थैंक यू।